रिंग बज जाती है तो फौरन तवज्जो इंसान की हट जाती है कि पता नहीं किसका फोन होगा, क्या होगा। मैं अलीपुर में जैनबिया में लगभग पौने 2 साल इमाम जमात के फराइज अंजाम देता रहा। पूरे पौने 2 साल में एक मरतबा फोन साइलेंट कर कबूल गया था, तो इत्तेफाक से उसी एक मरतबा ही फोन आया, और वो भी फोन घर वालों को तो मालूम है, नमाज का टाइम कोई घर वाले नहीं थे, कंपनी का फोन था, करना के लिए एक दवा पता नहीं क्या उसके लिए, है ना। तो ये किसी तरीके से इंसान के जहन को तकसीम कर देता है, तो ऐसी चीज़ों से इंसान को बचते हुए एहतियात से काम लेते हुए थोड़ी देर के लिए बेहतर है कि आदमी बंद कर दे, और अगर नहीं तो साइलेंट में कम से कम रख दे, ताकि थोड़ी सी उसकी ज़्यादा तवज्जो खुदा की तरफ रहे। तो बहरहाल नौबत है पयाम के हवाले से बात करने की। तो पयाम का तस्करा अगर हम कुरान में देखेंगे तो 3-4 आयतें हैं, नमूने के तौर पर आपको एक आयत का सिर्फ रेफरेंस देता हूँ, सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में क़ियाम का तस्करा है। आमतौर से हम जब क़ियाम का नाम सुनते हैं तो एक ही क़ियाम, क़ियाम यानी खड़े होना, यह हमारे जहन में आता है, लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे, अहकाम की रोशनी में इसे देखेंगे, तो गरचे हमारा हदफ अहकाम को बयान करना नहीं है, 4 किस्म का क़ियाम है, हर नमाज में 4 किस्म का क़ियाम है। एक क़ियाम तकबीरतुल एहराम के मौके पर, है ना, यानी इंसान पूरे इत्मीनान के साथ खड़ा हो जाए, उसकी सांस ना फूल रही हो, वो डिसबैलेंस ना हो, ऐसी सूरत में वो तकबीर कहे। और फिर एक क़ियाम है क़ियाम में बादा रुकू, या हम इस्तेलाह में उसे कहते हैं क़ियाम में मुतसिल बे रुकू, है ना, यानी तकबीरतुल एहराम के बाद जो हम खड़े होते हैं, ये दोनों क़ियाम रुकन में से हैं, यानी इसे अंदर और सहवान अगर इंसान भूल जाता है तो उसकी नमाज बाकी होती है। तीसरा क़ियाम क़राअत के दौरान क़ियाम है, और चौथा क़ियाम रुकू के बाद जो सर उठाता है आदमी सजदे में जाने से पहले, वो भी एक क़ियाम है। ये दोनों भी वाजिब हैं लेकिन गैर रुकन हैं, अगर भूले से आदमी ये क़ियाम, जैसे मिसाल के तौर पर वो क़राअत कर रहा था, सूरह हम्द उसने पढ़ा, भूल कर दूसरा सूरह पढ़ने के बजाय रुकू में चला गया, तो अब उसकी नमाज बातिल नहीं है, अगर उसने भूल कर दूसरे सूरे को छोड़कर चला गया है रुकू में। या रुकू के बाद वाला क़ियाम खड़ा होना ज़रूरी है अगर जानबूझ के कोई छोड़ता है, इसीलिए समय अल्लाह वलेमन हामिदा कहा जाता है, ताकि इंसान को यकीन हो जाए कि मैं खड़ा हो चुका हूँ, है ना। ये समय अल्लाह वलेमन हामिदा खुद बाज़ात खुद जिक्र ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ताकि इंसान को इत्मीनान हो जाए कि वो रुकू के बाद पूरे तरीके से खड़ा हो गया है। कभी ऐसा हो कि भूले से रुकू किया, फौरन पूरा खड़ा भी नहीं हुआ, सजदे में चला गया भूल कर, तो उसकी नमाज बातिल नहीं है। तो 2 क़ियाम हो गए रुकन में से, जिन्हें आमदन और सहमत हम छोड़ नहीं सकते, और 2 गैर रुकन में से। बहरहाल तफसीली अहकाम तो बहुत ज्यादा है इसके हवाले से। तो अब आइए सिलसिले बहस को आगे बढ़ाते हुए फलसफे क़ियाम को हम बयान करें। क़ियाम का फलसफा, क्यों इंसान नमाज में खड़ा होता है? तो इंसान को क़ियाम इसलिए नमाज में रखा गया है ताकि इंसान ये जान ले कि वो खुदा की बारगाह में खड़ा हुआ है, यानी उसकी रूह और उसका जिस्म दोनों अल्लाह के हवाले कर दिए गए हैं। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं कि जैसे रिसालतुल हुकूक उनकी किताब है, हर एक
चीज का हक उन्होंने बयान किया है। तो वालिदैन का हक औलाद के मुकाबले में, औलाद के हुकूक वालिदैन के मुकाबले में, उस्ताद का हक शागिर्द के मुकाबले में, शागिर्द का उस्ताद के, पड़ोसियों के हुकूक, हर एक चीज को उन्होंने बयान किया है रिसालतुल हुकूक में। तो उसमें नमाज का हक भी उन्होंने बयान किया है। तो इमाम फरमाते हैं कि नमाज के हुकूक में से ये भी है कि नमाजी ये जान ले कि वो खुदा के हुजूर में है, खुदा की बारगाह में खड़ा हुआ है। आका मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरीज़ी बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, सैर व सुलूक इनका रिश्ता था, बहुत ही बेहतरीन आलिम दीन। ये बयान करते हैं कि क़याम की हकीकत ये है कि बंदा अपनी बंदगी का हक अदा करे, है ना। बंदगी का हक यानी क्या, इंसान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरा माबूद एक ही है, वो परवरदिगार है, मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। बंदगी या बंदा हम किसको कहते हैं, बंदा जो हम कहते हैं एक गुलाम को, एक नौकर को हम कहते हैं, यानी खुदा के मुकाबले में एक नौकर से भी कम हमारी हकीकत है। ये एहसास करते हुए हमें खुदा की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। मैं ज़ैल में अर्ज कर दूँ कि हजरत लुकमान का गुजर एक गंदम के खेत से हुआ, गेहूँ के खेत से। तो हजरत लुकमान कहते हैं कि बहुत सारे गंदम के खोशे जो है, गंदम के दरख्त झुके हुए थे, बाज़ जगह पर एकदम सीधे खड़े हुए। तो मैंने कहा क्या बात है, पूरे बाग में एक ही मरतबा फसल उगाई गई है, सब एक ही मरतबा कुछ झुके हुए हैं और कुछ एकदम सीधे खड़े हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि मैं करीब गया तो मैंने देखा जिस गंदम में खोशों में गंदम है वो झुके हुए हैं, और जिसके अंदर दाना नहीं है वो एकदम खड़े हुए हैं। तो मुझे एहसास यह हुआ कि खुदा के मुकाबले में भी जिसके पास है ना तवाज़ो और इंकिसारी के फल पाए जाते हैं, वो खुदा के मुकाबले में झुका हुआ होता है। जिसके पास तवाज़ो नहीं होता, बंदगी के फल नहीं होते, वो आदमी खुदा के सामने सही खड़ा हुआ होता है मुकाबले में। तो एक फलसफा ये है कि इंसान अपनी बंदगी का हक अदा करे। एक और फलसफा इबादत के लिए आमादगी, तैयार होने का नाम क़याम है। क्यों, कुरान की आयत है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, यानी दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है, चाहे वो दरख्त हो, दरख्त के पत्ते हो, जानवर हो या परिंदे हो, हर चीज़ खुदा की तस्बीह करती है। तो इंसान क़याम करता है तो दीगर मखलूक़ात से ये कहता है कि हम भी खुदा की तस्बीह से गाफिल नहीं हैं, चूँकि हम सब का खालिक एक है, लिहाजा हम सब का फ़र्ज है कि हम उसकी तस्बीह करें। तो ये खड़े होकर आदमी नमाज की हालत में ये एक पैगाम दे रहा होता है दूसरी मखलूक़ात को कि चूँकि हम सब का खालिक एक है, लिहाजा हम सब मिलकर खुदा की इबादत करेंगे। तो इबादत की तैयारी भी एक फलसफा है क़याम का। और ये भी है कि इंसान के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तस्बीह परवरदिगार करे, खुदा की बंदगी करे। क्यों, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल इंसान है। हालांकि हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेक होता है, परहेजगार होता है, तो हम कहते हैं ये फरिश्ता सिफत इंसान है ना। तो इंसान का फरिश्ता बनना कमाल नहीं है, इंसान का इंसान कामिल बनना कमाल है। सही, शायर भी बहुत खूबसूरत अंदाज में कहता है कि फरिश्ता कहने से मुझको मेरी तौहीन होती है ना, फरिश्ता कहने से मुझको मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो, है
है ना, इंसान का मर्तबा इतना बुलंद है कि खुदाबंद आलम फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि तुम इंसान का सजदा करो। तो अब जिसका सजदा किया जाए वो अफजल होता है, ना कि जो सजदा करता है वो अफजल है। सही। तो बहरहाल तस्बीह परवरदिगार और खुदा की इबादत और इबादत के लिए तैयार होना, ये सब फलसफे बयान किए गए हैं क़ियाम के। एक और फलसफा, शैतान से मुकाबला। सही। हम कहते हैं कि मौला इमाम हुसैन ने क़ियाम किया, किसके मुकाबले में? यजीद के मुकाबले में क़ियाम किया, यानी क्या? यजीद का मुकाबला किया। तो हम भी क़ियाम करते हैं तो शैतान का मुकाबला कर रहे होते हैं, शैतान के लिए, है ना। किसी के ऊपर भी हमला करना हो तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। सही। इंसान खड़ा हुआ, सोता हुआ आदमी, लेटा हुआ आदमी किसी पर हमला नहीं कर सकता। तो हालत क़ियाम में इंसान ये बताता है कि हम शैतान से मुकाबला कर रहे हैं। और एक फलसफा जो उलमा ने बयान किया है ये भी बेहतरीन है, क़ियाम बराबरी और मुसावात का पैगाम है, यानी खुदा की बारगाह में हाजिर हो रहा है तो क़ियाम के ज़रिए से ये बता रहा है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, जिस बारगाह में खड़ा हुआ हूँ, उसकी निगाह में अमीर और गरीब, सही, काले गोरे लंबे नाटे, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पाया जाता है। ये उसकी बारगाह है जहाँ वो अमीर को एक अलग निगाह से, गरीब को एक अलग निगाह से नहीं देखता। तो क़ियाम जब सारे नमाजी खड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर चाहे वो बादशाह हो तब भी एक ही सफ में खड़ा है, चाहे वो नौकर हो तब भी एक ही सफ में खड़ा हुआ है, यहाँ किसी में कोई किसी तरीके की तफरीक नहीं है। तो क़ियाम इंसान करता है तो एक तरीके से पैगाम दे रहा होता है कि हम मुसावात की दुनिया में खड़े हुए हैं। सही। बराबरी का पैगाम देने के लिए खड़े हुए हैं, यानी हमारे नज़दीक ये ऊंच नीच, ये मालदारी किसी की फकीरी कोई मेयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इबादत परवरदिगार। खुदा के सामने सब के सब बंदे हैं, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कोई लीडर हो, सब खुदा के लिए बंदे हैं। तो इंसान क़ियाम करता है एक बराबरी का सबूत पेश करने के लिए। अच्छा, और सबसे आखिरी मैं बयान कर दूं आपके, क़ियाम एहतराम की रियायत के लिए, अदब के लिए क़ियाम। मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं, मैं मामूली सा एक तालिब इल्म आया हूँ, तो आप मुझे देखकर भी जिस हालत में आप बैठे हैं उस हालत में नहीं बैठे होंगे, और मौलाना आ गए, तालिब इल्म आ गए, इनका एहतराम किया जाए। अब मेरी जगह अगर कोई एक मुज्तहिद आता है तो उसका एहतराम और ज़्यादा किया जाता है, मुज्तहिद से बढ़कर कोई और अल्लामा भी, मुज्तहिद भी, दोनों है, ये ऐसी बड़ी शख्सियत आ गई जिसकी हम तकलीद करते हैं उसका तो हम और ज़्यादा एहतराम करते हैं। फर्ज करें इंशाल्लाह वो वक्त भी आए कि अगर इमाम हमारे सामने आते हैं तो कितना हम एहतराम करेंगे। सही। तो हम क़ियाम यानी खुदा की बारगाह में जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एहतराम है। लिहाजा मुस्तहबात क़ियाम में से ये भी है, पांच छह चीज़ें मुस्तहब हैं, हालांकि आयतुल्लाह खामनेई ने आठ चीज़ों को मुस्तहब चीज़ों को बयान किया है क़ियाम में। तो उसमें से क्या है, इंसान के कंधे झुके हुए होना चाहिए। सही। जब क़ियाम की हालत में है तो एकदम अकड़ा हुआ नहीं, बल्कि थोड़ा सा उसको झुके हुए होना चाहिए, उसकी निगाहें सजदे की तरफ, सजदगाह की तरफ होना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो खड़ा हुआ हो रहा है तो मुस्तहब यही है कि कंधे झुके हुए हों, उसके हाथ ऐसे रान के ऊपर हों, ये मुस्तहब है बहरहाल। तो यानी क्या, एहतराम परवरदिगार का सबूत देने के लिए भी एक क़ियाम है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सब को मारिफ अहले बैत समझने, नमाज के वाकई माना और मफहूम को समझ कर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वआखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि अत्तहारा।